आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी तो आज हम जा रहे हैं शिराज से मिलने। ये देखें, ये अभी हम गुलबर्ग ग्रीन से निकले हैं और थोड़ी ही देर में हम शिराज और उनकी फैमिली इस्लामाबाद आई हुई है, उनको हमने मिलवाना है इमरान रियाज खान के साथ। तो ये आज हमने मिशन कंप्लीट करना है और आज एक सरप्राइज भी है, शिराज के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हुए हैं, उस पर एक सरप्राइज भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये आज मेरा पहला व्लॉग है, तो आज मैंने खूब नहा धो के, जिसे आप कहते हैं ना गुस्ले व्लॉग, वो भी जट साहब किया है, गुस्ले व्लॉग भी आज किया है। तो ऊपर से रमजान भी है, ऊपर से रमजान भी है और रोजे भी है। और ये मैं सीधा जा रहे थे जट साहब, रास्ता भी आपको दिखाएं कि ये अभी हम गुलबर्ग से गुजर रहे हैं और सदीक जान साहब की यह सबसे पसंदीदा जगह है। अभी अफजल भाई ने मुझे यहाँ से उठाया है, अभी हम जाएंगे G11 इस्लामाबाद, जहाँ पे शिराज और मुस्कान जो उनकी बहन और उनकी पूरी फैमिली वहां पे रुकी हुई है, यहाँ से उन्होंने मूव करना था अपने गांव, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज इमरान रियाज साहब से आप मिलकर फिर जाइएगा, तो वो आज हम उनको मिलवाएंगे। इमरान रियाज खान साहब से मुलाकात है, वो भी आपको दिखाएंगे। और जब हम शिराज से मिलेंगे, हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है कि वो बच्चा जिसने पाकिस्तान का नाम जो है सियाहत में बुलंद किया, और मिलने किससे जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान का नाम सहाफत में बुलंद किया, तो ये दोनों बड़े जो है वो अहम शख्सियात है जिनसे आज हम मिलने जा रहे हैं। और ये आज मेरा पहला व्लॉग है, कोई जो कमी पेशी है वो आप माफ फरमाइएगा, आवाज भी मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा नहीं आ रही होगी, शोर होगा, तजर्बा करते हैं। लेकिन आज हम फर्स्ट व्लॉग करने जा रहे हैं और शिराज से मिलेंगे, आपको मिलवाएंगे और उसकी जो दिलचस्प बातें हैं वो भी आपको बताएंगे। शिराज ने एक नई जेहत मुतारफ कराई है व्लॉगिंग में कि उसने बिल्कुल पोलाइट तरीके से, और इतना छोटा बच्चा है और इतनी मजे की बातें करता है कि उसने जो दुकान है, जो औरतें और लड़कियां दिखा के अपनी दुकान चला रहे थे, उनकी दुकान भी खतरे में पड़ गई है इस बच्चे की वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल बड़ी मजे की और बड़ी प्यारी बातें करता है। और जो इंडिया के कार्टून थे मोटू पतलू, और आपके बच्चे कौन से देखते हैं? कौन से? मोटू पतलू नहीं, एक और है। बस वो एक पता नहीं बताया ना क्या नाम, कालू मदारी टाइप से। कालू मदारी और ये जो कार्टून है ना, इनसे हमारे बच्चों की जान छूटेगी, और ये जो शिराज के व्लॉग्स हैं ये हमारे बच्चे देखा करेंगे। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मजा आया? क्या देखा है आपके रास्ते में? रास्ते में घोड़ा देखा। घोड़ा देखा जी? घोड़े में बैठ ले। बैठना है। अभी ये मेरी बेटी है, इसका नाम माहम है। अच्छा। और आपका नाम शहराज है। ये अदनान अंकल है और ये अली अंकल है, ये आपकी दुकान भी बोलते हैं। ये उधर से ही है? नहीं, ये मेरे। बोलो नहीं, कौन सी दुकान है आपकी? बोलती है इसका चित्राली है। आपका कौन सा है? शिना आती है आपको? शिना नहीं आती। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? जी ठीक हूँ। और पूछे ना? मैं पूछूँ? अच्छा, अभी आप लाहौर में थे या इस्लामाबाद में थे? अभी हम इस्लामाबाद में थे। आपको पता है मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है। अच्छा, बहुत सारी। मैंने भी आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी। मेरी तो इतनी अच्छी वीडियो नहीं होती, मजे वाली तो नहीं होती। मजे वाली वीडियो तो आपकी होती है। आपकी भी मजे वाली होती है। अच्छा, मजे वाली वीडियो होती है। मैंने वो आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने जहाज में ट्रेवल किया, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने अपना गांव दिखाया, अपना घर दिखाया, मस्जिद बहुत प्यारी थी, वहाँ नमाज पढ़ी है आपने? नमाज पढ़ी है। अच्छा, और मैंने वो भी देखी जहाँ पे आपने पानी भी पिया जाके, बहुत ठंडा पानी था। हाँ, बहुत ठंडा है। है ना? यहाँ भी पानी है लेकिन इतना ठंडा नहीं है। गर्म है। हाँ, ये देखा है पानी आपने? ये बहुत गर्म है ये वाला पानी। हाँ, मैंने फॉलो किया हुआ है आपको। आपने मुझे फॉलो किया हुआ है? नहीं, मुझे फॉलो नहीं किया अभी। इमरान साहब, देखो देखो वो देखो बहन खेल रही है फुटबॉल। जी सर, आपने जब फर्स्ट टाइम देखा व्लॉग, मुझे ना फैन फीलिंग आ रही है। आपको बताऊं, मैं
मुझे यानी आई कैन इमेजिन कि जब आप अपने किसी हीरो को मिलते हैं तो आपको वो फीलिंग कैसे आती है। वो मुझे एक्साइटमेंट ऐसे है कि बेशुमार लोगों को हम मिलते हैं रोजाना, लेकिन मुझे बड़ी आज सुबह की एक्साइटमेंट थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2 घंटे बाद, तो मैं ये सोच रहा था अब ये 2 घंटे कैसे गुजरेंगे। मैं फिर मैं सोच रहा था कि मैं कैसे मिलूंगा, क्या करूंगा, वो किस तरह के कपड़े पहन के आएंगे जनाब। तो वो मुझे कुछ मैच हो गया। हाँ नहीं, मुझे वो मैंने सफेद सलवार कमीज आज इसी करवाई बकायदा, मैंने कहा जी मैं ये पहनूंगा। तो मुझे एक्साइटमेंट थी कि हीरो आ रहा है तो मुझे उसको मिलना है, और मैं वेट कर रहा था। नॉर्मली ऐसे नहीं होता, तो फैन फीलिंग जो है वो क्या है वो मैं वो आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सही बात है। तो मैं सुबह से सोच रहा था जब शराब आएंगे तो शराब के साथ करेंगे क्या हम, और हम क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। तो आज हम आपको बोटिंग करने का शौक है, कश्ती चलाने का? कश्ती चलाने का शौक है। चलाएंगे आपने पहले? नहीं चलाएंगे। तो आज कश्ती चलाएंगे, ठीक है। घोड़ा चलाने का शौक है? घोड़ा चलाने का शौक है। घोड़ा चलाया कभी पहले? नहीं चलाया। आज घोड़ा भी चलाएंगे। एक सेकंड, वो उसको रोकना था, मेरे हाथ में उसके बाल आ गए, वो बालों की वजह से वो मैं खींच रहा था, वो रुका नहीं, सामने वो खड्डा था। मैं तो घोड़ा में भी नहीं, वो नरम वाला घोड़ा था, मैंने तो छलांग मारी घोड़े से। घोड़े की ना जीन खींच गई, दिखाओ कहाँ लगी है, छोटी सी है। सर 21 जनवरी को आपने ट्वीट किया था ना, उस वक्त तीसरी वीडियो थी, 2 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर शराज साहब ने, स्पीड ही बहुत है। अभी केक भी लाए हैं। एक मिनट में आप लोगों के लिए ट्वीट करता हूँ, ये कभी नहीं होगा। बहुत टैलेंट था। सही बात, सही बात। इसने कान में बच्चों को बता के लुक में दे के बच्चों से वीलॉग की। मेरे ख्याल में गांव का कोई बच्चा नहीं होगा जिसको आप लोग नहीं जानते। सही बात, सब बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दिया। वैसे देखो बच्चे कितने अच्छे होते हैं ना, हम लोग नॉर्मली मैंने देखा है एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते, एक दूसरे के बारे में बताते नहीं है। उसने गाँव के हर बच्चे का तारुफ करवाया कि ये वो है, ये मेरा दोस्त वो वाला है, ये वो वाला है, इसको भी देखो, इसको भी हेलो बोलो। तो वो सबके लिए करता है माशाल्लाह। बच्चे हैं ना वो अंदर से बिल्कुल सच्चे होते हैं, खड़े होते हैं। फर्स्ट टाइम जब आपने देखा व्लॉग? मैंने तारिक मतीन साहब की उस पे देखा, उन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने देखा, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये किधर है, मुझे इसको पकड़ना है। मैंने उनको ये कहा, उन्होंने कहा भाई ये मुझे भी नहीं पता किधर है, लेकिन यार ये एटम बम है। तारिक भाई के साथ मेरी बात जब हुई ना पहली दफा इनके बारे में, तो वो उन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया था वहां से, फिर मैंने देखा, फिर जो उन्होंने किया वही वो फिर मैंने भी किया। एक्चुअली ये तारिक भाई, तारिक मतीन साहब जो है ना, ये उनकी दरियाफ्त में उनकी कहूंगा, हमारे सर्कल के अंदर, हमारे सर्कल में ये उनकी दरियाफ्त है। और फिर कुछ और दोस्त भी फिर फॉलो करना शुरू हुए, और मुझे लगा कि ये नहीं, मैं पहले दिन से एक बात पे कन्विंस था कि अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान का टूरिज्म का बेहतरीन हो सकता है एम्बेसडर, मैंने आप लोगों से शायद एक बार ये बात की भी थी, टूरिज्म का बेहतरीन एम्बेसडर अगर कोई हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान का, तो वो ये शराब है। और ये तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी खड़ा कर दे, पाकिस्तान में, दुनिया में, दुनिया में माशाल्लाह, कहीं भी खड़ा कर दे तो मिलियंस में माशाल्लाह लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से इसको बचाए और इसी तरह हंसता खेलता हुआ हमेशा रखे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इनको लेकर स्पेशली आपके इनके फादर का शुक्रिया, ये खुद आपसे बड़ा, जंगल में लोग मिलने के लिए कम आते हैं, तो आप इधर जंगल में आ गए इसको लेकर मिलने के लिए, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया।